ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इंश्योरेंस की बिक्री में डार्क पैटर्न का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लोकल सर्कल्स के ताज़ा सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। सर्वे से पता चला है कि 61% शिकायतें मिस सेलिंग को लेकर थीं, जबकि 57% शिकायतें व्यक्तिगत जानकारी मांगने को लेकर के सामने आई हैं। सर, ये ऑनलाइन बीमा खरीदने वाले इस खबर को कैसे समझें? अगर क्या ऑनलाइन बीमा नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्या इसका मतलब क्या निकालें? ऑनलाइन बीमा खरीदने वाले सावधान रहें कि जिन डार्क पैटर्न की समस्या ई कॉमर्स की साइट पर होती थी, डार्क पैटर्न का मतलब आपको तरह तरह के प्रलोभन में फंसाकर कोई प्रोडक्ट बेचा जाए, उसकी ज्यादा डिमांड दिखाई जाए, उसके साथ अच्छे रिव्यूज दिखाए जाए, वैसा ही सब कुछ अब ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म्स पर होने लगा है। बीमा प्लेटफॉर्म कुछ खास पॉलिसीज को जिन्हें वो सपोर्ट करते हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड बताते हैं, उन्हें प्रायोरिटी में ऊपर दिखाते हैं और उन्हें कई तरीके से फैसले लेने से पहले निवेशकों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बात लोकल सर्किल के सर्वे में सामने आई है। इसके अलावा बीमा बेचने से पहले वो तमाम जानकारियां जुटाने की लेने की कोशिश करते हैं जो उचित नहीं है, इसका अनुभव कोई भी कर सकता है। और अभी तो भारत में ऑफलाइन ही मिस सेलिंग हो रही है बीमा की इतनी ज्यादा क्या कि इरडाको और नियामकों को लगातार उसमें दखल देना पड़ रहा है, बैंक तक बीमा की मिस सेलिंग कर रहे हैं, बैंक अपने यहाँ डिपॉजिट कराने वालों को बीमा बेच लेते हैं जिनको पता भी नहीं होता है, उसके ऊपर से तो अब ऑनलाइन मिस सेलिंग भी शुरू हो गई। खासतौर से जो ऑनलाइन पे हेल्थ इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उनके लिए ये बड़ी उलझन की बात है कि उनके लिए समझना मुश्किल है। और इसका यही एक रास्ता है, नियामक तो कुछ करेगा, इसका रास्ता ये है कि लोग खुद समझें, खुद जानकारी करें अपने लिए सही बीमा चुनने के क्या तरीके होते हैं, मनी नाइन से नियमित रूप से जुड़े रहें। कोई भी बीमा कैसे चुना जाए इसको हम बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग तरीके की वीडियो हम आपको बताते हुए नियमित देखते रहें, क्योंकि ये मिस सेलिंग की समस्या का कोई रेगुलेटरी समाधान स्थायी रूप से हो पाएगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। तो फिलहाल नियामक से ज्यादा उम्मीदें जो है नहीं रखनी चाहिए, खुद अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, ताकि इस तरह की जो मिस सेलिंग हो रही है उससे आप बच सकें। इस बीच रिलायंस जियो एक बार फिर बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम खरीदने की तैयारी में है। रिलायंस जियो ने आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सबसे ज़्यादा 3,000 करोड़ रुपए का एडवांस जमा किया है। भारतीय एयरटेल ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 1,050 करोड़ और वोडा आईफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपये जमा किए हैं। कंपनियों को जमा किए गए एडवांस के आधार पर अंक मिलते हैं, जिससे उन्हें अपने मनचाहे सर्किलों की संख्या और स्पेक्ट्रम की मात्रा के लिए बोली लगाने की आज़ादी मिलती है। सर, एक तरीके से फिर से 5G को लेकर के क्या अब एक नई रेस शुरू होने वाली है? हाँ, रिलायंस थोड़ा तेजी से आगे बढ़कर आया है जियो को लेकर, क्योंकि अब 5G भविष्य की सर्विस है और रिलायंस का पूरा फोकस 5G सर्विस पर है। नेटवर्क तो पुराने ऑपरेटर्स के पास है, तो रिलायंस के लिए किसी दूसरे ऑपरेटर की तुलना में 5G में एक्सपेंशन करने में या उसका विस्तार करने में आसानी है, क्योंकि 5G की क्रांति शुरू होने के साथ ही रिलायंस आगे आया था। और अब भविष्य में डेटा की संभावना, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट और मोबाइल एंटरटेनमेंट की संभावना को देखते हुए 5G में एक नई प्रतिस्पर्धा या नई होड़ शुरू होने वाली है। और एयरटेल के पास बड़ा स्पेक्ट्रम का भंडार है, काफी स्पेक्ट्रम है और एयरटेल ने अपनी सर्विसेज भी काफी बड़े हिस्सों में लॉन्च की है, यही स्थिति जियो की है। लेकिन फोन की तस्वीर के बाद आप ये कह सकते हैं कि 5G का बाजार कमोबेश अब दो ही कंपनियों के बीच में बढ़ जाएगा, जियो और एयरटेल। चलिए अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का।